नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मालवे टेक पर। आज मेरे पास दोस्तों राजकोट सिटी गुजरात से मेरे पास कोरियर आया है अमर भाई का, जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। इनका फ़ोन है MI 10T, ये पूरा डेड है फ़ोन। उन्होंने अपने एरिया में कई जगह दिखाया, कोई 10 दिन का टाइम मांग रहा है, कोई 5 दिन का टाइम मांग रहा है, कोई कन्फर्म नहीं बता रहा था कि ये फ़ोन होगा भी नहीं होगा। तो उन्होंने बहुत भरोसे के साथ मेरी शॉप पे भिजवाया है, कोरियर करवाया है। आज इस फ़ोन को हम रिपेयर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि इस फ़ोन में क्या किया है, कैसे ये फ़ोन ठीक हुआ है। आप भी मुझे कोरियर करवा सकते हो अगर आपको फ़ोन कोई ठीक करवाना हो तो। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें, बेल आइकन जरूर से ज़रूर दबा लें, क्योंकि रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो ये फ़ोन मेरे पास शाम के टाइम आया था परसों कोरियर में, और ये कल पूरा रेडी हो गया है। ये फ़ोन सुबह मॉर्निंग में रेडी हो गया था ये। मैं अगर कल परसों मॉर्निंग में आता तो परसों ही रेडी कर चुका होता मैं, और भी काम होता है इसमें। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि ये डबल टेकर CPU होता है, ये ड्राई होने के कारण ये दिक्कत आती है। इसमें टाइम तो लगता है दोस्तों, और थोड़ा पेशेंस का काम है। जितना आप पेशेंस रख करके काम करोगे ये बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। और कई भाई टेम्परेचर नहीं पता होता, कितने टेम्परेचर पे कौन सी IC निकलती है, तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो कौन से टेम्परेचर पे कौन सी IC, कौन सा CPU निकालना चाहिए, RAM और ग्लू कौन से टेम्परेचर पे काटना चाहिए। तो मैंने टाइम बचाने के लिए साइड में जितनी हमें ज़रूरत थी उतनी सील काटी है। टेम्परेचर आप देख सकते हो 180 है, और एयर में हमने रखा हुआ है 60। मेरी जो मशीन है दोस्तों 861 DW है। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा नहीं है तो आप टेम्परेचर कम रख करके भी काम कर सकते हो, 350 और एयर 40 रख करके भी काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मेरे को थोड़ी सी वीडियो फास्ट करनी पड़ी है, और ऊपर आप टेम्परेचर देख सकते हो मैंने टेम्परेचर कितना रखा हुआ है। अब इसे हम अच्छी तरीके से पूरा रैम और बोर्ड CPU दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो मैंने रैम और बोर्ड ये दोनों चीज़ें इस जगह पे इसलिए वीडियो कट करी है क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो कितने मेरे भाई छोड़ के चले जाते हैं, वीडियो को देखते नहीं हैं। हमने रैम पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर ली है, रिवॉल्व कर लिया है, हमने पेस्ट भी लगा दिया मदरबोर्ड में। अब हमारा लगाने का भी दोस्तों वही रहेगा जो पहले था, हमारा टेम्परेचर वही रहेगा लगाने का भी। आप स्क्रीन पे देख सकते हो लगाने का भी वही रहता है, निकालने का भी मेरा वही रहता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ इस चीज़ पे। तो आप कम रख सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि ये आप CPU लगा रहे हो, CPU उड़ भी सकता है या उसकी बॉल एक दूसरे से शॉर्ट हो सकती है। तो आप हिट 340 रखें या 350 रखें, एयर फ्लो आप कम से कम रखें। अगर आप न्यू हैं इस लाइन में तो आप टेम्परेचर और हीट कम रख करके काम कर सकते हो। दोस्तों हमारा CPU लग गया है, अब हम इस पर रैम लगा करके देखेंगे। आप वीडियो पे एंड तक बने रहें दोस्तों। किसी मेरे दोस्त को अगर मोबाइल रिपेयरिंग करवाना है या कोरियर करवाना है, दिल्ली में नहीं रहता, दिल्ली में अगर रहता है तो दिल्ली में मेरी मालवी नगर में शॉप है, मालवी नगर मेन मार्केट में, आप मेरी शॉप पर आके विजिट कर सकते हो। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो मुझे आप कोरियर करवा सकते हो। मेरे यहाँ से पूरा सेफ मोबाइल जाता है, और पूरा देख सकते हो आप कैसे सफाई के साथ काम करते हैं पूरा का पूरा हम। तो दोस्तों चले, हमारा CPU रैम लग चुका है, अब हम ऑन करके देखते हैं फ़ोन को। हमारा फ़ोन ऑन होता है नहीं होता, आप वीडियो पे एंड तक बने रहें। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब ये पूरा चल रहा है, नहीं चल रहा, ये पूरा चल रहा है, एक डिस्प्ले में लाइन आ रही है। हालांकि ये जहाँ जहाँ इन्होंने दिखाया है वहाँ से भी हो सकता है, या फ़ोन ये कोरियर में आते टाइम कहीं ना कहीं गिरा होगा तो उसकी वजह से ये लाइन आ रही है। बाकी ये ठीक है, वीडियो अच्छी लगी।